हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन्स 4th of June को इस तरीके से अपना पाइसेक्शन पैटर्न दिखाएगा, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं तो इसको देखेंगे। तो आज अच्छी ओपनिंग थी, बहुत शेयर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हुए और ये भी थोड़ा गैप अप ओपन हुआ लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और बहुत बड़ा एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे हमारे लिए बना दिया। ठीक है, मैंने आपको बात किया था कि कुछ दिन से यहाँ पे मोमेंटम नहीं हुआ है, एक तो बड़ा मोमेंटम कैंडल बन सकता है और तो ये यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम कैंडल बन गया। अब कल के दिन कैसा ये बिहेव करेगा तो अभी हम लोग को कुछ नहीं कर सकते इस शेयर के अंदर। अभी हम लोग ये ऊपर की ओर 3000 और नीचे की ओर ये लेवल हम लोग मान के चलेंगे और जब तक इसके अंदर है तब तक हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। या फिर आपको लगता है यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद ये अपना हाई ब्रेक कर रहा है, मतलब यहाँ पे ओपनिंग होता है और अपना हाई ब्रेक कर रहा है तो कुछ क्वांटिटी हम लोग होल्ड करने के बारे में सोच सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि हो सकता है अभी धीरे धीरे ऊपर की ओर जाए और लेवल्स को हिट करे अपना एसएल यहाँ पे, या फिर लास्ट स्विंग के नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं प्लेस करके रख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग जैसे आज के दिन क्या हुआ, ओपनिंग के बाद सीधे ये नीचे की ओर आ गया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, हम लोग को पता चल जाएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आज के दिन आने के बाद ओपनिंग के बाद सीधे नीचे आ गया और जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसके आसपास ट्रेड करने लगा है। अब यहाँ से ये फिर से ऊपर की ओर निकलता है और कुछ नहीं तो लगभग लगभग 2910 के लेवल को निकालता है, तब हम लोग यहाँ पे 2940-50 का लेवल का प्रिपरेशन प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसके बीच ओपनिंग के बाद ये अपने इन लेवल्स को नीचे की ओर निकालता है तो हम लोग नीचे की ओर 2800 की प्लानिंग कर सकते हैं। तो एशियन पेंट इस तरीके से कल के दिन मोमेंटम दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।